हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं आंबापानी इको टूरिज्म, जो डांग में आया है। और इसका रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, जो जंगल के बीचों बीच से होके वहाँ तक पहुँचना था। तो हम इस तरह से ये कच्च रोड पे हम आंबापानी पहुँच गए हैं। इसमें एंट्रेंस फी भी हमें देनी है 25 रुपीस। तो हम एंट्रेंस फी दे के अंदर चले आए हैं। तो इस यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए आप, तो यहाँ से आगे चढ़ जाके मैं आपको टेंट भी दिखाऊंगी, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी ऐसी टेंट बनी हुई है लकड़ी की, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। यहाँ पे कैंटीन भी है, तो यहाँ से आके जाके आपको कैंटीन भी मिलेगी, जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो। तो यहाँ पे आप पिकनिक करने आ सकते हो। तो ये बिल्कुल रिवर के किनारे ही बनी हुई है, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो हम तो यहाँ पे एक दिन के लिए ही गए थे, लेकिन ये कैंटीन है, आप यहाँ से खाना ले सकते हो। और यहाँ पे चिल्ड्रन को खेलने के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर प्ले एरिया बनाया हुआ है। और ये सामने ऐसे टेंट बने हुए हैं, जो यहाँ पे आप रह सकते हो। और ये बच्चों को खेलने के लिए इसके सामने ही है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो आप प्लीज़ डांग के नज़दीक रहते हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और फिर इस तरह से आप एडवेंचर भी कर सकते हो। यहाँ पे एडवेंचर के लिए एक राइड भी थी। और ये जो हमने टेंट देखे, उसके बाहर का बालकनी का नज़ारा है, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो अभी तो वो बंद थी, लेकिन यहाँ पे बोटिंग भी करते हैं, तो कैसे